बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में वैसी घमदड़ के घूम रहा हूँ, क्योंकि चाहता किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ। क्या कर सकते यार, आप सभी को दिखाने के इतना दूर आया घमदड़ और मार्के। ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम सामने भैया मोर पंख लेके जा रहे हैं, तो आप सभी को गाइस आज हम आप सभी को लेके जाने वाले दंतेवाड़ा मार्केट। तो फिलहाल हम लोग मार्केट अंदर घुस रहे हैं और देखते हैं क्या क्या देखने को चीज़ मिलेगा। और बहुत ही प्यारा मार्केट लगाया गया है यहाँ पर, आप सभी को भुट्टा, टमाटर, देसी सुखसी, धनिया। और ये मार्केट वेनसडे को लगता है और बहुत सारे आते हैं अलग अलग गांव से, भाजी, टमाटर, करेला, देसी सब्जी लेकर। कभी दंतेवाड़ा आओगे तो वेनसडे के दिन आना, आप सभी को यहाँ मार्केट के दिन एक से एक सब्जी मिलेगा। यहाँ पर लौकी, देसी लौकी, ये सब है। तो अभी हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं, तो राइट साइड में पूरा लेडीज़ लोग का सामान रखा हुआ है, तो चूड़ी, कंगन, बिंदी, मेहंदी, ऐसे में पायल, झुमका। आगे में कपड़ा का दुकान है, तो वो भी दिखाएंगे आप सभी को। वीडियो में कंटिन्यू बने रहो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑप्शन को दबा देना। यहाँ पर किराना दुकान है छोटा सा, यहाँ पर राशन ले सकते हो। और इसे बस्तरिया मार्केट कहा जाता है और बहुत ही प्यारा मार्केट बनाया गया है। तो राइट साइड में पूरा राशन दुकान लगा हुआ है, हम बहुत सारे राशन ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं। आप सभी को मैं दिखाने के लिए इतना दूर आया हूँ दंतेवाड़ा, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। वीडियो में बने रहे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, तो नीचे में ये है गाय बैला को बांधने वाला रस्सी, और 20 रुपया जोड़ी है। किसी के यहाँ गाय वाय पालते होंगे तो वो सब लेके जाते हैं। तो आगे में ये है वस्त्रीय आदिवासी नृत्य कपड़ा, तो यहाँ पर बच्चे लोग को लगाया गया। यहाँ पर सुखसी दिख रहा है, बच्चे लोग का कपड़ा दुकान लगाया गया है। और कुछ इस तरह का यहाँ पर बैग, बर्तन, गाड़ा, ये सब का दुकान है। तो फिर हम वापस चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। तो ये कुछ इस तरह का है नृत्य कपड़ा, ये देवी धाम में ज़्यादा यूज होता है। मोर पंख कपड़ा, ये सब ज़्यादा यूज होता है। कड़ा ताना की तरह पहनते हैं देवी धाम में, पूजा करने भी यूज होता है। यहाँ पर मुर्गा बाजार भी होता है बुधवार के दिन। और दिखाते हैं आप सभी को, और मैं इसलिए धीरे बोलूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम दंतेवाड़ा मार्केट का वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे मेहनत के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को बोल रहा हूँ, चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहो।
जय राम जी। अभी हम लोग जिस साइड जा रहे हैं उस साइड पूरा कपड़े का दुकान लगा हुआ है और बहुत ही कम रेट में कपड़ा वहाँ मिल रहा है। 100 रुपया 200 रुपया कपड़ा, जो आदिवासी लोग के लिए सही रेट है। तो आप सभी को दिखाते हैं किस तरह से कपड़ा दुकान लगाया गया है, तो बने रहो वीडियो में। तो चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। तो फिलहाल अपन पहुँच गया है कपड़े के दुकान साइड। तो यहाँ से पूरा लाइन से कपड़े का दुकान लगाया गया है, बच्चे से लेकर बड़े तक सबका कपड़ा मिल जाएगा यहाँ वेडनेसडे मार्केट के दिन, और बहुत ही कम रेट में। तो आप आके यहाँ पर ले सकते हो गमछा, टावल, शर्ट, टी शर्ट, लोअर, लुंगी। तो चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं आगे और भी नज़ारे। और हो सके तो मैं भी कुछ यहाँ से टावल वावल ले सकता हूँ। यहाँ पर कपड़ा सिलने का मशीन भी है, तो तुरंत कपड़ा लेकर टाइट वाइट भी करा सकते हैं। तो कम से कम 4 से 5 बड़े बड़े दुकान या कपड़ा है ऐसा कुछ है। तभी अपन जिस साइड जा रहे हैं उस साइड का मुर्गा बाज़ार होता है, आप सभी को दिखाते हैं। और फाइनली अपन पहुंच गया मुर्गा बाज़ार। तो लेफ्ट साइड में होटल में रखा गया मोहा दारू, और ये मुर्गा बाज़ार है। यहाँ पर मुर्गा बिक्री करने भी आते हैं और मुर्गा लड़ाई करने भी आते हैं। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, शाम को होगा यहाँ का मुर्गा बाज़ार। तो कुछ इस तरह से जोड़ी वोड़ी अभी से बना के रखा जा रहा है। और कौन कौन मुर्गा बाज़ार गया कमेंट कर देना। आने वाला वीडियो में आप सभी को अपनी किरंदुल बैंकाल का मैं दिखाऊंगा आपको मुर्गा बाज़ार। तो कुछ इस तरह का है, और अलग अलग प्रजाति के मुर्गा को ला के यहाँ पर लड़ाते हैं। तो फिलहाल चलते हैं, यहाँ तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आगे की ओर चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। और कैमरा हिल रहा होगा तो उसकी भी सॉरी, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। और यहाँ से पूरा कपड़ा का दुकान स्टार्ट है। लैपटॉप के साथ लेके आऊं, बैग में रखूं? सभी को चारों तरफ दिखाऊंगे, ग्राउंड घुमा के बैग में रखूं। तो हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग मिले हैं जो पार्लर से आए हैं, दुकान लगाए यहाँ पर। तो ऐसा कुछ है दुकान कपड़े मन का। तो यहाँ पर बैग भी आपको कम रेट में मिल जाएगा, बैग, चटाई, ये सब। तो चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं और कुछ देखने को चीज़ मिलेगा। तो फिलहाल अपन अभी जा रहे हैं भारतीय और जहाँ से हम लोग आए थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है दुकान वकान, आप सभी आके इस जगह में सब्जी कपड़े ले सकते हो। बहुत ही ताज़ा ताज़ा सब्जी मिलेगा आप सभी को। तो यहाँ पर पत्ता गोभी दिख गया बड़े साइज में, फूल गोभी। यहाँ पर छोटा मोटा किराना दुकान भी लगाया गया है, और मार्केट बहुत ही प्यारा है। और मार्केट को बोला जाता है भिस्तरिया आदिवासी मार्केट। आप सभी को दिखाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। तो जो जो दंतेवाड़ा से देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चल रहे हैं, आप सभी को और दिखाते हैं। तो यहाँ पर बर्तन वर्तन का दुकान है, तो बर्तन भी आपको कम रेट में मिल जाएगा 200 से 300 के आसपास। तो चल रहे हैं, आप सभी को दिखाते हैं और जो दिखने का ये मिलेगा। तो यहाँ पर चप्पल वप्पल का भी दुकान है, वो भी बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर धनिया दिख गया, भाजी और देसी केला,
बैगन, गाजर, मूली, मिर्ची, प्याज भाजी, बहुत सारा भाजी सब्जी दिख रहा है जो शाकाहारी उन लोग के लिए अच्छा है। तो चलते हैं, चार्जर मेरे पास है ना यार, वीडियो बनाऊंगा फिर एडिट करूंगा ना। और अपन अभी जिस साइड जा रहे हैं उस साइड में बस्तरी और दारू मिल रहा है, आप सभी को दिखाते हैं किस तरह से दारू को बेचा जाता है। कैसा लगाया गया भागा भागा में आलू प्याज। और मेरे को रास्ते में बहुत सारा झोला टंगते हुए दिख रहा है, दो घंटा हुआ है। यहाँ पर कपड़े का आइटम है, दो घंटा हुआ है। झोला इसलिए रखा जाता है कि सामान रखने में आसान हो जाए। तो अभी फिलहाल ये है यहाँ पर खाने पीने का। तो अभी आगे की ओर जा रहे हैं हम लोग, आप सभी को दिखाएंगे बस्तरी दारू। यहाँ पर महुआ रखा गया आके बेचने के लिए। और खाने पीने का है मिक्सचर, आलू बुंदा, समोसा, भजिया, मिर्ची भजिया, छोटा बड़ा, उड़द बड़ा, बहुत सारे खाने पीने का है। और यहाँ पर भजिया, समोसा, सब दिख रहा है। तो फिलहाल चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं यार, आप सभी को दिखाते हैं दारू। तो इस साइड में है महुआ दारू, तो यहाँ लाकर बेचा जा रहा है महुआ दारू। तो गाइस अभी मैं ड्रिंक चेक करके देखा, कुछ असर तो नहीं हुआ, देखते क्या होता है। फिलहाल अभी मैं दंतेवाड़ा का मार्केट में हूँ और आज वेडनेसडे है, तो आज के दिन मार्केट लगता है। तो यहाँ पर पूरा सेल्फी दिख रहा है, पूरा काउंटर लाइन से इधर उधर मोवा वाला सेक्शन था। अभी मैं जा रहा हूँ रोड के साइड, अब तो आप सभी को ट्रैफिक दिखाता हूँ मैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में वैसी घमघट ढक के घूम रहा हूँ, कुछ ऐसा किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ मैं। क्या कर सकते यार, आप सभी को दिखाने के लिए इतना दूर आया हूँ दंतेवाड़ा मार्केट। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना। अब सामने भैया मोर पंख लेके जा रहे हैं, तो आप सभी को मैं दिखाता हूँ। तो ये भैया पूरा मोर पंख लेके जा रहे हैं। भैया मोर पंख कितने के? 10 रुपये पीस है। 10 रुपये एक पीस है, दो तुम्हें को एक। भैया बड़ा है कितने? 10 रुपये। 10 रुपये एक दे दो। तो भैया से मैं एक मोर पंख लिया, पकड़ेगा तो पैसा नहीं डालते। ₹20 भैया। थैंक यू भैया। तो ऐसा ये रोड बाईपास है जो ट्रक वर्क आना जाना होता है, क्योंकि दंतेवाड़ा सिटी के अंदर घुसाने नहीं देते हैं ट्रक मन को, तो ये बाईपास रोड यहाँ से पूरा ट्रक मन जाता है। और यहाँ पर बैग वैग का दुकान लगा हुआ है। अरे गाइस मैं हूँ, मैं ले लिया मोर पंख, 10 रुपये मेरे को पड़ा है। तो अभी चल रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी के तरफ। तो ऐसा है, और ये रोड सीधा जाने से आपको किरंदुल बैला डीला बचेली मिल जाएगा, और ये रोड सीधा जाता है अपना दंतेवाड़ा और गोलकल के लिए। यहाँ से सादा क्या बोलते अपना बरसपाल होते हुए ढोलकल के लिए आप जा सकते हैं इस रोड से। तो ये सीधा सीधा जाओगे आपको जेलबाड़ी रोड मिल जाएगा, यहाँ से आप लेफ्ट कटोगे तो आपको मिल जाएगा दंतेवाड़ा। तो ये बाईपास रोड है। तो अभी फिलहाल मैं मार्केट घूम के आ गया हूँ, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। मैं गाड़ी कहाँ खड़ा किया था, हाँ मैं गाड़ी में गया। तो ये हमारे किरंदुल वाले भैया का ट्रक है, किरंदुल मतलब बचेली वाले भैया का ट्रक। तो भैया भी मार्केट में मिले थे, है ना। तो गाइस वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और सामने में जा रहे हैं मेरे दो दोस्त लोग, अचानक सिंगल गए, तीन लोग के साथ जा रहा। अभी मेरी दीदी का और मेरी दीदी का स्कूटी लेके आया था,
फिर घर में जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, आराम करेंगे और शाम को निकलेंगे बेलाडीला के लिए। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी मेरी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी। तो तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय।